गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया विद न्यू फिगर सर्कल. राउंडेड फिगर वी कॉल अ राउंडेड फिगर एज सर्कल. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. उसे पेरीमीटर कहने की जगह हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम जैसे पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ऐसे ही सर्कमफ्रेंस भी लेंथ ऑफ बाउंड्री ही है, बट लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कुलर रीजन. ये जो राउंडेड फिगर है इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे. इसका फॉर्मूला है 2πr. या फिर रेडियस की जगह अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली पाई डी भी लिख सकते हैं. पाई मल्टीप्लाई डी. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी. पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और वी कैन राइट इट एज 3.14. अगर आपको डिजिट ऐसे दी हुई है जो इजीली 7 से डिवाइड हो जाए तो आप 22/7 ले सकते हैं. अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो आप 3.14 भी लिख सकते हैं. जनरली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 22/7 यूज करनी है या 3.14 यूज करनी है. अगर हम यहां देखें तो पाई, व्हाट इज पाई? पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. इट मींस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो पाई की वैल्यू होगी. तो पाई की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, लेट्स सी. लुक हियर दिस टेबल. सर्कल, हमने चार सर्कल लिए जिसका रेडियस, इन फर्स्ट सर्कल रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर. जब हमने उसका सर्कमफ्रेंस मेजर करा, सर्कमफ्रेंस मेजर करने के लिए हम एक थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं. उसके राउंडेड फिगर पे अगर हम ऐसे थ्रेड लपेट दें तो उसका सर्कमफ्रेंस आया 22 सेंटीमीटर. अगर हम इसका रेशियो निकालें, सर्कमफ्रेंस रेशियो डायमीटर, तो ये आएगा 22:7 और वी कैन राइट इट एज 22/7. इन डेसिमल इट विल बी 3.14. सेकेंड सर्कल लिया, उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, डायमीटर जस्ट डबल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस जब हमने थ्रेड लेके उसे मेजर किया इट वॉज 44 सेंटीमीटर. अगेन 44 डिवाइडेड बाय 14, their ratio 44/14, when we solve it, it will be 3.14. In third circle, radius was 10.5 centimeter, diameter 21 centimeter, circumference uska nikal ke aaya 66 centimeter. Ratio 66/21, again 3.14. In fourth circle, radius 21, डायमीटर 42 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस व्हेन वी मेजर इट वाज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स रेशियो 132/42, अगेन इट इज 3.14. सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज पाई. सो द वैल्यू ऑफ पाई इज इन डेसिमल 3.14 और अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखे तो सब में आएगा 22/7. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 3.14 आएगा, ये 3.2 भी आ सकता है, 3.13 भी आ सकता है, बट इट विल बी नियर अबाउट 3.14. वी कांट मेजर एक्यूरेट सर्कमफ्रेंस. पाई की वैल्यू भी हमारी एक्यूरेट नहीं आएगी, ये 3.14, 3.13, 3.2 कुछ भी आ सकती है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल.
एरिया ऑफ सर्कल मीन्स इस सर्कल के अंदर कितना स्पेस है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। डिवाइड सर्कल इंटू सेक्टर एज मैनी एज यू वॉन्ट, हम इसे डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। हाफ हमने शेडेड कर दिया, हाफ हमने इसको प्लेन छोड़ दिया। अब हम इन पार्ट्स को अगर अरेंज करें तो एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इन पार्ट्स को अरेंज करें तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एंड नॉन शेडेड पोर्शन, ये नॉन शेडेड पोर्शन हो जाएंगे, इधर इधर शेडेड पोर्शन हो जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो लेंथ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कितना है, जितना ये है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस आर। और ये जो है ये कितना हो जाएगा, दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इट मीन्स हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अपॉन टू। The length is circumference upon 2, half of the circumference, and the breadth is equal to radius, whatever is the radius of the circle. Area of rectangle is equal to area of circle. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अवर लेंथ इज सर्कमफ्रेंस अपॉन टू इनटू ब्रेथ, दैट इज रेडियस। सर्कमफ्रेंस हमारा होता है पाई डी, और वी कैन राइट टू पाई आर अपॉन टू इनटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। Now see some example. Take radius as 14 centimeter. Now what will be the circumference? Circumference hamara hota hai 2 pi r. It means 2 into 22 upon 7 into 14. Cancel it. It will be 88 centimeter. Now, area. Area of circle is pi r square. 22 upon 7 into 14 into 14. It will be 44 into 14, that is 616 centimeter square. Now see exercise. Question number first, find the circumference of the circles with the following radius. In first question, first part, radius is 14 centimeter. Our circumference is 2 pi r. So, 2 into 22 upon 7 into 14, it will be 88 centimeter. Second part, radius is 28 millimeter.
circumference 2 pi r, 2 into 22 upon 7 into 28. Centimeter. Third part, radius 21 centimeter, circumference 2 pi r, 2 into 22 upon 7 into 21. 132 centimeter. Now, question number second. In question number second, we have to find the area where radius and diameters are given. Number one, radius 14 millimeter. So, area pi r square 22 upon 7 into 14 into 14. 616 millimeter square. Second part, diameter 49 meter. If diameter is 49 meter, it means radius is 49 upon 2 meter. Then area pi r square 22 upon 7 into 49 upon 2 into 49 upon 2. 3773 upon 2, or we can write it as 1886.5 meter square. C part. Radius is 5 centimeter. Area pi r square 22 upon 7 into 5 into 5. 550 upon 7 centimeter square. Question number third. See, circumference is 2 pi r. Okay, and area is pi r square. So if we have to find the radius, then if circumference is given, then the formula for radius will be circumference upon 2 pi. And if area is given, then the radius will be area upon pi, square root of area upon pi. Third question.
Circumference is given 154 meter. Find its radius and area. Circumference of a circle is 154 meter. So, what will be the radius? Radius is circumference upon 2 pi. It means 154 upon 2 into 22 upon 7. ये जो 7 है, इसे हम ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे. Radius will be 49 upon 2 meter. Now, area pi r square, that is 22 upon 7 into 49 upon 2 into 49 upon 2. It will be 3773 upon 2 meter square. Next, question number 4. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डन है जिसका डायमीटर 21 मीटर है, उस पर एक गार्डनर फेंसिंग करना चाहता है. फेंसिंग यानी वो तार लगाना चाहता है उसकी बाउंड्री पे. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस. डायमीटर इज गिवन 21 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस. Find the length of the rope he needs to purchase. उसे कितनी लंबी रस्सी चाहिए? That means what will be the circumference? If he makes two rounds of fence, वो उसके two round लगाता है. Circumference means one round, लेकिन ये लगाता है इसमें two round. Also find the cost of the rope if it costs rupees 4 per मीटर. रेट इज रुपीज 4 पर मीटर. नाउ सर्कमफ्रेंस डायमीटर इज गिवन. हम पाई डी से भी इसको निकाल सकते हैं. 22 अपॉन 7 इंटू 21 66 meter. The rope required to fence one round fencing के लिए कितनी रोप चाहिए? 66 meter. उसने उसके टू राउंड लगाए हैं तो उसे कितनी चाहिए रस्सी? 66 इंटू 2 132 मीटर. नाउ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप इज रुपीज 4. सो द कॉस्ट ऑफ 132 meter of rope is 132 into 4. Rupees 528. Now next, question number 5.
Question number 5 is, from a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है. इसमें से सर्कुलर पोर्शन हटा दिया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ये सेंट्रल, ये जो सर्कल है छोटा वाला, ये इसमें से रिमूव कर दिया. तो वो कह रहे हैं रिमेनिंग कितना उसमें बच गया. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. व्हाट वी हैव टू डू, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर हम ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा. या फिर इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. दैट इज एरिया ऑफ रिंग इज पाई कैपिटल आर वन स्क्वायर माइनस, और वी कैन राइट आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर. होता क्या है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर. बड़े वाले के लिए हमने यहां आर वन लिख लिया. छोटा वाला जो सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर टू स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. बड़े वाले रेडियस के लिए हमने आर वन लिख लिया, छोटे वाले रेडियस के लिए हमने आर टू लिख लिया. अगर हम दोनों को माइनस करें तो दोनों में क्या कॉमन है, पाई. वो पाई हमने ले लिया है कॉमन, तो अंदर रह गया आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर. वेयर आर वन इज स्मॉलर वन, वो ग्रेटर रेडियस, एंड आर टू इज स्मॉलर रेडियस. और इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है पाई आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन माइनस आर टू. ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. अगर आप इसको यूज करना चाहें इट विल बी इजी फॉर यू. रिंग रिंग यानी जैसे अंगूठी होती है उसके बीच में होता है, इसी तरीके से अगर इस तरह से आप निकाल रहे हैं, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपको निकालना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इट विल बी पाई आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन माइनस आर टू. ये हो गया 22/7 इंटू 4+3 एंड 4-3. 4+3 7 एंड 4-3 1. सो आंसर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इजी मेथड है. मैं आपको दूसरा मेथड भी इसका करके दिखाती हूँ अगर आप वो करना चाहे. अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो आप उससे भी कर सकते हैं. एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 4 इंटू 4. एरिया ऑफ इनर सर्कल 22/7 इंटू 3 इंटू 3. ये हो जाएगा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन
that will be 352 upon 7 minus 198 upon 7. It will be 154 upon 7. That means 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. चॉइस इज योर्स. आप उस मेथड से करना चाहते हो या इस मेथड से. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू हैव टू डू दीज फाइव क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सरसाइज राइट डाउन बोथ द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड देन डू दीज फाइव क्वेश्चंस.